यहाँ तो गोली गोली ही चली सीधे, हाँ गोली ही चली इसमें। अब गोली चली अंधाधुंध, अंधेरा था तो दीवारों पे लगाई, इसको थोड़ा बिना गोली चले दरवाजे नहीं टूटे। जवान कुत्ते की तरह घसीटे, तुम देख रहे हो तुम्हारा महान। On the 22nd of January, the monumental configuration ceremony of the historic Ram Temple will be held. Born out of a 2019 Supreme Court verdict, this concludes a 500-year saga marked by Ram Mandir Andolan. Amidst past controversies and lives lost, this is a timeless tale of perseverance and triumph, destined never to fade. Meet 70-year-old Om Bharti, a living witness to the haunting echoes of history within the walls of her home. As the camera pans, we see the house where dozens of car sevak met their tragic end on November 2, 1990. This is the very place where the Kothari brothers were shot dead. The walls bear the scars of bullets fired, and the doors, once broken to extract the car sevaks, tell a story etched in pain. Om Bharti recounts a day she will never forget. A day when she not only witnessed the cold-blooded shootings, but also, guided by the courage within, sheltered dozens of lives within her home. Becoming a beacon of hope amidst the darkness of that fateful moment, in this house, the indomitable spirit of Om Bharti and the resilient marks of history intertwine, creating a narrative of tragedy, courage, and the enduring strength of the human spirit. जब आपके इसमें आए थे कार सेवक, जब आप उनको बना रहे थे, आपको अंदाजा था कि इनमें से 25-30 लोग शायद नहीं नहीं हमें अंदाजा नहीं था। हम जितने बचे थे हम सब सोचते थे ना कि अब अंदर ऐसा सुना ही नहीं था। जब मंदिर बंद है गेट, तो कौन ले जाएगा इनको, कैसे जाएंगे सुरक्षित। अब ये नहीं पता था ना कि फाटक तोड़ तोड़ करके ले जाएंगे। जो बचे रहा विजय राघव सरकार की कृपा से, वो अंधे हो गए, दिखे नहीं उनको। याद कल का नहीं बना था ना, उस काल में सुरक्षा उच्छक की दृष्टि से ऐसे कमरे बनते थे। जो लोगों को यहाँ से ले जाके गोली मारी गई, यहाँ से वो भाग रहे थे तो उधर से गोली, ये पुलिस डंडा मार पुलिस जो थी भगा रही थी, अंदर से खींच रही थी, और उधर से गोलियां चल रही थी। वो दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, तभी तो कोठारी ये जहाँ खिड़की टूटी वहाँ हमारा राम, फिर उसके पीछे शरद भाग पकड़ के खींचने लगे तो उससे नहीं रहा हुआ, वो भी भगा, उसको ही मार दिया। बाउंड्री से कूद रहे थे, बाउंड्री तो अब नहीं। देखिए पहले गोली चौराहे पे चल रही थी तो देखने का सवाल ही नहीं था, वहीं से चलना शुरू हुई। गोली लाठी चलती सब अंदर की ओर भागते हैं, आराम को प्लास्टिक की गोली लगी तो कार से वकील हमको उठा लाए। अच्छा, आपको हमारा लाठी लगी तो यहाँ टूट गया, तो हम तो अंदर हो गए। फिर बलवंत राय तमाम महिलाएं भी आई हुई थी तो उनको ले जाके वहाँ बंद कर दिया उधर दो कमरे, एक खिड़की को तोड़ के पुलिस ने झांका, कुछ कमरे को उठाई तो नहीं दिखे। और फिर इसके बाद पहले नीचे लड़ते रहे फिर ऊपर, फिर जब फोर्स ने यहाँ से सबको निकाल लिया तब हम लोग आए नीचे। फोर्स भी चली गई यहाँ से, निकाल ले गई मार सब। जब शांति एक तरह की हुई तब इन दोनों कमरों से फोर्स नहीं निकाल पाई थी किसी को, नहीं इन दोनों कमरों का कहाँ दिखता है आपको, इससे दिखा नहीं तो फोर्स के पास इतना समय क्या था। पत्रकारों का भी तो भय था, पत्रकार वहाँ लड़ रहे थे इस, ये जो हमारा बाउंड्री तोड़ने के बाद मकान है उसके सामने आवाज आया, तभी तो हम लोग आवाज दे रहे थे पत्रकारों को। वो लोग हनुमान जी की तरह झगड़ा कर रहे थे, फिर आ गए पत्रकार। कितने लोगों को यहाँ से निकाल के गोली मारी? 25-30 दोनों कमरे के एक भी नहीं, सब निकाल ले गए थे। और वो ओम प्रकाश की ओर बच के आया था, पैर कटने के बाद लमराते हुए सब सही हुए। नंदलाल बच गया था, जब उनका भाई कोठारी का चाचा का वो वही तो लेके सबको बताया जाके कि कहाँ शहीद हुए, तो पूर्णिमा कोठारी और उनकी माँ बाप, पूर्णिमा बहुत छोटी सी थी, सब वहां से आए थे। हीरा लाल उनके पिताजी का नाम धीरे धीरे स्मरण आ रहा है मुझे, पूर्णिमा का वही चेहरा। हमने बाद में भी मिलने आई तो देखा, लेकिन वो चेहरा कभी नहीं भूलता, एकदम उदास सूनी आंखें। दोनों भाई चले जाए जिसके, तो क्या होगा,
क्या कहा था बोलने वाले आपसे? उसकी बोली नहीं फूट रही थी, बस आंसू बह रहा था उसकी माँ, वो भी रोई गई। उनके पिताजी ने कहा हमारे पास कोई और काम नहीं है, उसी की शादी वादी तय की। दुख तो था क्योंकि मैं भी बहुत दुखी थी ना, इसलिए सब मौन मौन ही सब देखा। आपको जवाब दे पाई थी पूर्णिमा को? नहीं, वो कुछ बोली नहीं, जवाब देने की स्थिति में उस समय हम थे भी नहीं, नियम तो ही खड़ा था। उससे पहले लड़ाई हमने कहा अब तुम्हारा नाश निश्चित है, क्योंकि युवा शक्ति के बल पर तब भी बोले थे जबकि आजादी चलती इतिहास उधरी रचता है, जिसको जवानी चलती है, जवान कुत्ते की तरह घसी थे, तुम देख रहे तुम्हारा महानाश। आपको वो चीखे गोलियां चलना आज भी रात को याद आ जाती है? हमेशा याद आती, हम हर टाइम याद रखते थे, क्योंकि रामलला अपना मंदिर नहीं बनवाते थे, मेरे आश्रम का भी डर लगता था थोड़ा थोड़ा, मरम्मत अभी पीछे हमने करवाई कि लगता है ये रह ही जाएगा, क्योंकि उनका मंदिर बन ही नहीं रहा, जब बनाएंगे तो मिस्त्री तो करनी तो रियायत करेंगे नहीं, सारे इंसान बीत जाएंगे। इसलिए आपने बनने दिया? हाँ, इसको नहीं फिर बनने दिया, इसको जीवित रखा, आप बन जाए।